हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया। खबर इस वक्त आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो कि उनके साथ वहां मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के बाद राहुल और प्रियंका का रोड शो भी है। थोड़ी देर में राहुल गांधी और प्रियंका का जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। तो केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनावी मैदान में राहुल गांधी दो दो सीटों से हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन और केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है और उनके साथ तमाम दिग्गज जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज रैली होने वाली है राहुल की और प्रियंका की, वहां पर वो मौजूद हैं और कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है रैली, माफ कीजिए रोड शो है, उस रोड शो में वो शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका का जो रोड शो है, रैली नहीं रोड शो है, वो शुरू हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर लिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, आज क्योंकि तीसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और आज राहुल अपना पर्चा भर चुके हैं, तो इस बार दो दो जगह से किस्मत आजमा रहे हैं राहुल गांधी। हालांकि इसको लेकर भी कई निशाने साधे गए और इसको लेकर बीजेपी सरकार ने राहुल पर सवाल भी उठाए कि दो दो सीटों से राहुल मैदान में कैसे, क्या एक सीट की जीत को लेकर वो आश्वस्त नहीं है, इसीलिए उनको केरल के वायनाड का रुख करना पड़ा। हालांकि इस पर राहुल ने जवाब भी दिया। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। पहली बार दो सीटों से चुनावी मैदान में राहुल होंगे। तो नामांकन के बाद राहुल और प्रियंका दोनों रोड शो भी करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जो रोड शो है दोनों का शुरू हो जाएगा। देखना होगा रोड शो में क्या कुछ कहते हैं दोनों, कि काफी अहम हो जाता है दोनों के दोनों जब एक रोड शो में खुद शामिल हो, क्या वो कहते हैं लोगों को, किस तरीके से संबोधित करते हैं, क्या कुछ वायदे और करते हैं, इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी। तो नामांकन के बाद राहुल और प्रियंका का रोड शो भी होने वाला है।